हाय फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द एनडीएस पेरेंट्स, प्लीज वॉच टिल द एंड। यूपीएससी हैज़ रिलीज्ड ए नोटिफिकेशन फॉर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल द एनडीएस पेरेंट्स। तो यूपीएससी ने जो खास इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें। तो आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला है 21 अप्रैल 2019 को, जो कि संडे को, उसके लिए क्या खास बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपको एडमिट कार्ड है वो खुद ही प्रिंट कराना पड़ेगा, जो ई एडमिट कार्ड होता है आप लोगों का। साथ ही साथ आपको जो फ़ोटो, वो दो फ़ोटो लेकर के जाना है। आपकी जो दो सेटिंग में एग्जामिनेशन होते हैं, एक फ़ोटो पहले वाले सेटिंग के लिए और दूसरी फ़ोटो सेकेंड वाले सेटिंग के लिए। और ये भी ध्यान रखें कि आप जो फ़ोटो लेकर के जाओगे वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, दोनों बिल्कुल एक जैसी फ़ोटो होनी चाहिए। आगे एक खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक और चीज़ है, आप देख सकते हो। इट मे बी ऑल्सो नोटेड दैट द एंट्री इन टू एग्जामिनेशन वेन्यू शैल बी क्लोज 10 मिनट्स बिफोर। यानी कि आपके जो दो सिटिंग वाले एग्जामिनेशन है, तो जो पहली आपकी एग्जामिनेशन होती है वो 10 बजे सुबह से शुरू होती है और सेकेंड वाली जो एग्जामिनेशन है वो 2 बजे दोपहर में शुरू होती है। तो आपको अपने जो एग्जामिनेशन टाइम है उससे 10 मिनट पहले वेन्यू में पहुँच जाना है, नहीं तो फिर गेट क्लोज कर दी जाएंगी और आप फिर इंटर नहीं कर पाओगे। सो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि आप 10 बजे से पहले जितनी जल्दी हो सके आप पहुंच जाओ। कोशिश करो कि आप 9:30 बजे के करीब ही पहुंच जाओ। और एग्जामिनेशन के बाद जो आपके 3 घंटे जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए, जो सेकंड सेटिंग का फिर एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको 1 घंटे का गैप मिलता है। तो आप एग्जामिनेशन के बाद वेन्यू के आसपास ही रहो ताकि आपको फिर वापस आने में दिक्कत ना हो। आगे आपको जो एग्जामिनेशन देनी है वो OMR सीट में आपको कलर करनी होती है। जो 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके कलर करना होता है। तो उसके लिए जो आपको पेन लेकर के जानी है वो ब्लैक पेन लेकर के जानी है। आप प्लीज़ ध्यान रखेंगे इस बात का, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स गलती से ब्लू पेन ही कैरी कर लेते हैं अपने साथ में, जो कि बाद में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फिर उन्हें पेन प्रोवाइड कराना या फिर दिक्कतें आती है ऐसे, फिर किसी बगल वाले से लेना, तो ये सब थोड़ा ऑड लगता है। तो इसका भी ध्यान ज़रूर रखेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को ब्लैक पेन और अपनी फ़ोटो, अपनी दो फ़ोटो और एडमिट कार्ड के अलावा कुछ और नहीं लेकर के जाना है। और अगर आप मोबाइल फ़ोन लेकर के जाते हो तो आपको वो स्विच ऑफ मोड में रखना है, वो आप अपने बैग में भी रख सकते हो। पर अगर आप नहीं लेकर के जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपको साथ ही साथ ना ही वॉच लेकर के जाना है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इन सभी बातों का आप प्लीज़ ध्यान रखेंगे। और अगर आपने एडमिट कार्ड अभी तक प्रिंट नहीं कराया है तो आज ही अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करा लें, क्योंकि आखिरी के दिनों में थोड़ा सभी को परेशानी हो जाता है और थोड़ा फंस जाते हैं लोग कि मैंने एडमिट कार्ड नहीं प्रिंट कराया या ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो प्लीज़ इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, मैंने जितनी भी बातें आपको बताई है। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एनडीएस पेरेंट्स। आप अपना एग्जामिनेशन अच्छे से दो, मैं विश करता हूँ कि आप सबका रिजल्ट अच्छा हो। सो जय हिंद।